नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में कोरोना का कहर, 113 की मौत, 421,000 लोगों को वैक्सीन, जबरन चोरी के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। नागपुर में कोरोना का कहर, 113 की मौत। नागपुर सिटी में उन शमशान घाटों में जहां रोजाना एक दो शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा करते थे, वहां अब रोजाना दर्जनों से पार्थिव पहुंच रहे हैं। हालात ये है कि घाटों के आसपास के परिसर में रहने वाले नागरिकों को 24 घंटे घाटों में चिता की अग्नि दिखाई दे रही है। कोरोना से हुई मौतों के चलते शवों का रात में ही दाह संस्कार किया जा रहा है। इतना भयावह नजारा सिटी ने कभी नहीं देखा होगा। इस कोरोना महामारी ने पूरी सिटी और जिले के ग्रामीण भागों में जनता के बीच दहशत का माहौल बना दिया है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा रोज ही अपने रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। सोमवार को जिले में 113 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। पहली बार कोरोना से मौत का दैनिक आंकड़ा 100 के पार हुआ है। एक दिन पूर्व संडे को 85 की मौत हुई थी, दूसरे दिन यह 113 पर पहुंच गया। इसमें सिटी के 75 और ग्रामीण के 32 मृतकों का समावेश है। वहीं जिले के बाहर के 6 मरीजों की मौत हुई है। इस भयावह आंकड़ों के साथ ही अब तक कोरोना से जिले में मरने वालों की संख्या 6,386 पर पहुंच गई है। इसमें 3,948 सिटी के है और 1,477 ग्रामीण भागों और 961 जिले के बाहर के है। पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि जिला व स्थानीय प्रशासन में भी अफरा तफरी मची हुई है। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जनता से अभी भी अपील की जा रही है कि वे बिना जरूरत घरों के बाहर बिल्कुल न निकले और दूसरों के संपर्क में आने से बचे। तो वही दूसरी ओर 421,000 लोगों को वैक्सीन। कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से कई स्तर पर कार्य किया जा रहा है। सीमित संसाधनों के बीच जहां टेस्ट सेंटर संचालन किया जा रहा है, वहीं अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। शहर के सभी सेंटर्स पर की गई व्यवस्था के अनुसार अब तक 421,000 लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है, जिसमें 1.5 लाख से अधिक ज्येष्ठ नागरिकों का टीकाकरण किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार वैक्सीन भले ही कोरोना से पूरी तरह बचाव न करे, लेकिन वैक्सीन के बाद कोरोना का असर कम करने में सहायक जरूर साबित होंगी। यही कारण है कि तमाम परेशानियों के बीच वैक्सीन को गति देने का काम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के अभियान में अब तक 41,458 लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज दिए जा चुके हैं। जानकारों के अनुसार भले ही इन लोगों का टीका हो चुका हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर मिल रहे उदाहरण को देखते हुए ऐसे लोगों को भी सतर्क रहना जरूरी है। वैक्सीनेशन होने से बेखौफ होकर दूसरों के लिए भी घातक नहीं होना चाहिए। तो वही तीसरी और जबरन चोरी के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार। नागपुर मेडिकल के टीबी वार्ड परिसर में रविवार को 3 युवकों ने दोपहिया वाहन पर सवार दो भाइयों को डरा धमका कर लूट लिया। घटना के कुछ समय बाद ही पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अब भी फरार है। पकड़े गए आरोपियों में राजा भाक्षा निवासी आतिश कैलाश टाकभोरे, 5 नल चौक रामबाग निवासी राजेश तिलक राहुत का समावेश है। पुलिस ने सावित्रीबाई फुले नगर निवासी राकेश रमेश ढोके की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। राकेश रविवार की दोपहर 2:30 के दौरान अपने भाई राहुल के साथ दोपहिया वाहन पर घर जा रहा था। टीबी वार्ड परिसर में तीनों आरोपी दोपहिया वाहन पर पीछे से आए और दोनों को रोका, जबरन गाड़ी से चाबी निकाल ली, डरा धमका कर नगद 2,500 रुपए और मोबाइल छीन कर भाग निकले। जाते समय आरोपियों ने गाड़ी की चाबी वही फेंक दी। राकेश ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। एपीआई संतोष मुडे अपने दल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, लूटपाट का मामला दर्ज किया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।